नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यह जानकारी है कि बिहार का रिजल्ट चौंकाने वाला होने वाला है। प्रधानमंत्री ने अभी तक सबक नहीं सीखा। 2015 में हर 2019 में बिहार की इस जनता ने सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बनाया, लेकिन उसके बावजूद वह लगातार हम लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों पर आरोप लगाने के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना विशेष पैकेज मिला। उन्होंने किया ही क्या, वह उनके पास बताने को है ही नहीं। लालू प्रसाद यादव के छपरा जाने के चुनाव प्रचार को उन्होंने कहा कि वह छपरा गए हैं और रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से अपने पिता को जीवन दान दिया है, तो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि वहां की जनता की सेवा के लिए रोहिणी को वहां की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। प्रधानमंत्री के तूफानी बिहार दौरे पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भयभीत है, बीजेपी भयभीत है और उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि संविधान खत्म करने की बातचीत हो रही है, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों संविधान बदलने की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की कोई उपलब्धि है ही नहीं। प्रधानमंत्री की कोई उपलब्धि होती है तो उस पर जरूर अपनी बात को रखते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। 2014 से 24 में प्रधानमंत्री जो भी हम लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, वही घिसा पिटा आरोप लगा रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं। और इतने बार आरोप लगाने के बाद भी बिहार की जनता ने उनके आरोपों को ठुकरा दिया है, उनको सबक भी सिखाया है। 15 का चुनाव हारे, 20 में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल रही, तो लगातार तो उनको सबक सिखाया बिहार की जनता ने। कम से कम प्रधानमंत्री जी को सबक सीखना चाहिए था, आरोप लगाने से पहले अपनी उपलब्धियों को बताना चाहिए था। नौकरी पे क्यों नहीं बात करते, बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते? बिहार को विशेष राज्य दे रहे थे, हम लोगों ने वीडियो भी डाला है पहले, विशेष पैकेज की बात कर रहे थे, स्पेशल अटेंशन की भी बात कर रहे थे बिहार को। बताओ ना स्पेशल पैकेज, ना स्पेशल राज्य का दर्जा, ना स्पेशल अटेंशन, तो कुछ तो किया नहीं। ना पलायन रोका, ना निवेश लाया बिहार में, ना इंडस्ट्री लाई, तो उनके पास उपलब्धियां है ही नहीं। तेजस्वी जी, चार सीटों पर आपने लगभग 3 दर्जन ज्यादा जनसभाएं की, मोदी जी ने 4 रैलियां की, योगी जी आए, राजनाथ सिंह जी आए, क्या रहने वाला जी पहले चरण का वोटिंग पैटर्न बहुत कुछ तय करेगा? भाजपा के लोग डरे हुए हैं, यहाँ अकेले तो हम ही लोग घूम रहे हैं, लेकिन भाजपा को भी पता है कि बिहार से रिजल्ट जो है उनके हित में नहीं आने वाला, उनके पक्ष में नहीं आने वाला, चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है। तो इसलिए ये सब लोग जो है भयभीत है और फिर से जो है संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। ये बार बार ये संविधान को कौन ख़त्म करना चाहता है? प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं कुछ बोलते हैं भाई? लगातार जो है बीजेपी के लोग जो है कैंडिडेट हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लगातार इस बात को कह रहे हैं, प्रचंड बहुमत लाइए, हम संविधान को ख़त्म करेंगे। तो संविधान जो ख़त्म ये लोग करना चाहते हैं, खुद ना ख़त्म हो जाए। रामनवमी की सब लोगों को हमारी शुभकामनाएं हैं। हम भी माता का दर्शन लेकर के हम लोग आज निकले हैं, और यही हम लोग चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल करके रहें, अमन चैन को कायम करें। लालू जी आज प्रचार के लिए पहली बार निकले? अरे तो निकलेंगे नहीं, गए हैं छपरा, गए हैं छपरा, उनकी कर्म भूमि रही है। छपरा के लोगों ने हमेशा, सारण की जनता ने लालू जी को हमेशा आशीर्वाद दिया है, और लोगों की वहाँ की चाहत थी कि भाई लालू जी जो हैं इस बार चुनाव तो नहीं लड़ पा रहे, लेकिन रोहिणी आचार्य जी को चुनाव लड़ाए, तो लोगों की इच्छा भी उन्होंने पूरी की है। और मुझे पूरा विश्वास है रोहिणी जिस हिसाब से हमारी बहन ने माता पिता के लिए जो सेवा दिया है, जो पिता को जीवन दान दिया है, इस बार सारण की जनता को भी माता पिता समझ के वहाँ की जनता को वहाँ सेवा देगी।